हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बोरीवली गोराई बीच के पार वाटर किंगडम के बगल में टिक टक टो खुला है, तो चलिए उसको विजिट करते हैं। ये है मुंबई, यहाँ लेफ्ट साइड मेट्रो है। अभी ये जो मेट्रो का नया आगे एक्सटेंशन हुआ है वो वाला रूट है। अभी गोरेगांव ईस्ट तक मेट्रो आ चुकी है, चलिए आगे चलते हैं अभी। हाँ, और अगर वो ये गोराई टिकटॉक जाने के लिए दो तरीका है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको बोरीवली वेस्ट स्टेशन के पास उतरना होगा और वहाँ से ऑटो लेना होगा, मिनिमम फेयर है। वहाँ से आपको बोलना होगा कि मेरे को गोरेगांव फेरी पॉइंट जाना है, तो वो लोग गोरेगांव फेरी पॉइंट के पास पहुँचा देंगे। और कैब से जा रहे हो तो आप गूगल मैप में गोरेगांव फेरी पॉइंट जानना, तो वो डायरेक्ट लोकेशन ले लेगा। अब यहाँ हम लोग पहुँच गए, देखिए यहाँ फेरी पॉइंट का टिकट मिल रहा है। यहाँ फेरी का टिकट 100-100 रुपीज मिला ईच। हम लोग तीन लोग थे, बच्चे का एक्चुअली यहाँ पे बच्चे का एज के अकॉर्डिंग नहीं, उनके हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट उनका 3 फिट 3 इंच से ज़्यादा है तो उनका टिकट लगेगा। अब देखिए मेरी डॉटर बहुत ही एक्साइटेड है फेरी पॉइंट में जाने के लिए। एक्चुअली वो बोटिंग तो की है, बट वो फेरी बोट कह सकते हैं, वो बड़े वाले बोट में नहीं बैठी है, तो उसका एक्साइटमेंट अलग है। चलिए चलते आगे, देखते हैं कि कैसा है। अभी तक तो जर्नी बहुत ही अच्छा है, आगे देखते हैं कैसा है। आप उसका एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि उसको कितना मज़ा आ रहा है। और संडे था और समर वैकेशन था, इसके कारण बहुत लंबी क्यू था। हम लोगों को 10 to 15 मिनट्स यहाँ फेरी के लिए वेट करना पड़ा। आगे चलते हैं, अच्छा है, देखते हैं। और हाँ, ये रही फेरी, देखिए ये फेरी है, यहाँ पे बैठाने वाले हैं। और वहाँ फेरी के टिकट भी चेक होते हैं, आपको फेरी के टिकट अच्छे से रखनी होगी। देखिए ये, देखिए दो फेरी है ना, एक ये फेरी और एक ब्लू वाला। जो ब्लू वाली फेरी है ना, वो यहाँ के लोकल लाइट्स के लिए, यानी जो लोग गोराई के बीच के उस पार रहते हैं उनके लिए। इस फेरी में बाइक भी आती जाती है, और हमको लगता है कि इस फेरी का टिकट रेट कम होगा एज कम्पेयर टू अस, क्योंकि वो लोकल के लिए है ना। हमारी फेरी का पर टिकट 100 रुपीज की थी। सो अब देखिए ये ब्लू फेरी है जो लोकल लाइट्स के लिए। अब देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना अच्छा उस पार जाके रहने के लिए, बट वही है कि जो लोकल लाइट्स, उनको कितना दिक्कत होता होगा रात में अगर किसी इमरजेंसी के कारण अगर इधर आना पड़े, या इमरजेंसी या हॉस्पिटल किसी भी चीज़ का इमरजेंसी हो, या बारिश के दिन में, क्योंकि मुंबई की बारिश तो बहुत ख़राब होती है, सबको पता है, तो उसमें कितना दिक्कत होता होगा इन लोगों को आने में इधर इस साइड। खैर चलिए चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये प्लेस विजिट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम, ये पगोडा टेम्पल है, ये बुद्ध का टेम्पल है। एक कभी मैं वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी पगोडा पे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि पगोडा पे भी वीडियो बनाइए, मैं ये वीडियो बनाऊंगी पगोडा टेम्पल पे। अगर आपको पगोडा टेम्पल पे वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें। अब हम लोग यहाँ फेरी से उतर गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वाटर किंगडम की तरफ। ये देखिए उसका हैप्पीनेस। चलिए क्या है, बच्चे को है ना बहुत मतलब स्पेस मिल जाता है खेलने के लिए, स्पेसियस प्लेस है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बाइक साइकिल कुछ भी व्हीकल्स का टेंशन नहीं है कि उधर से व्हीकल्स आ रही है, आप आराम से उस बच्चे को छोड़ भी सकते हो। अब हम लोग एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट पे आप देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप है, तो बच्चे इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। हाय, देखो मैं हाय कर रही हूँ आप लोग सबको को। अब हम लोग टिकट पॉइंट पे चलते हैं। एक्चुअली टिकट का दो है ना, एक आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक सकते हैं। अगर जिनको ज़्यादा टाइम विजिट करना, अगर साल में 2 बार विजिट करते हैं, तो वो वाटर किंगडम के लिए एक पासपोर्ट आता है, वो पासपोर्ट वाला टिकट ले, क्योंकि वो 1500 तक में हो जाती है और आप 2 बार विजिट कर सकते हैं। ये फेरी का टिकट यहाँ चेक हो रहा है, देखिए यहाँ फेरी का टिकट चेक हुआ है, एक पार्ट ट्रक लिए कट करके, और ये दूसरा पार्ट आपको लौटने के समय चेक किया जाएगा। अब अंदर चलते हैं, इधर टिकट काउंटर है, देखिए ये वाटर किंगडम का टिकट काउंटर है, वाटर किंगडम का टिकट काउंटर है। और है इसमें ऑनलाइन पेमेंट स्कीम ये सब है, और जो फेरी के लिए टिकट काटती है,
टिक टक टो के टिकट, देखिए ये बाहर साइड काटती है, दो टिकट अडल्ट के लिए हम लोगों ने लिया और एक किड्स के लिए। किड्स के टिकट का रेट 700 है एंड अडल्ट का 300 है। इसमें से कुछ खाने की कूपन भी है, तो देखते हैं कि फूड आइटम कितने की है, फूड आइटम को कूपन। साथ में ये पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा पाव और चिप्स और पानी ये सब मिलता है। ऐसा छोटा छोटा बहुत जगह कॉर्नर है जहाँ आप ले सकते हैं। ये वाटर किंगडम का एरिया है, इसलिए यहाँ पे वाटर किंगडम से रिलेटेड सामान मिलती है। नाउ अब टिकटॉक वाटर किंगडम वाले लोग उधर चले जाएंगे। अब हम लोग को टिकटॉक टो जाने के लिए, वाटर किंगडम और टिकटॉक टो दोनों जाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिनी ट्रेन लेना होगा। ये मैं लोग मिनी ट्रेन में जाने वाले हैं। देखिए ये मिनी ट्रेन में आ गए, एक तरह से हो गई कि फेरी बोटिंग भी हो गई या मिनी ट्रेन में भी आ गए। गर्मी तो उतनी नहीं थी, उस दिन का वेदर बहुत ही अच्छा था, इसलिए हम लोगों ने प्लान भी किया जाने का। तब हम लोग मिनी ट्रेन विजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो मुंबई में रहते हैं उनको इतना फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं मिलता है, तो ये फॉरेस्ट टाइप का एरिया देखने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन ग्रीन एकदम नेचुरल एयर और फ्लावर, ये सब पेड़ पौधे, ये सब देखने में अच्छा लगता है। जिनको नेचर से लव है, जिनको पेड़ पौधा देखना या शांत वाला स्पेस अच्छा लगता है, वो जा सकते हैं। अब यहाँ हम लोग ट्रेन से उतरे, अब हम लोगों को यहाँ पे जहाँ से ट्रेन मिनी ट्रेन उतारती है ना, वहाँ जस्ट बगल में वाटर किंगडम है। बट वाटर किंगडम हम लोग नहीं गए क्योंकि एक तो संडे था और सेकेंड उसके वाटर किंगडम का 25th ईयर कंप्लीट हुआ था, जिसके कारण आज वहाँ इवेंट थी, तो दोनों के कारण वहाँ बहुत रश थी। फिर बच्चे लेके इतने रश में जो तो कोई मजा ही नहीं आता, क्योंकि फिर वो डर जाएगी तो फिर हम लोगों को आधा में ही निकलना पड़ेगा। क्या होगा वो बच्चे का आप कंडीशन नहीं जानते कि वो उस जगह पे उस भीड़ को देख के कैसा रिएक्ट करेगी। तो फिर हम लोगों ने टिकटॉक टो जाने का प्लान किया। तो आगे चलते हैं टिकटॉक, देखो ये वाटर किंगडम का एरिया आपको दिख रहा होगा। अब आगे यहाँ टिकटॉक टो के लिए हम लोगों को बस लेनी होगी, तो अब हम लोग यहाँ बस लेते हैं। एक्चुअली टिकटॉक टो हम लोग बोल सकते हैं उस जगह पे है जहाँ पे पहले एसएल वर्ल्ड था। जो लोग मतलब एसएल वर्ल्ड आए हैं, क्योंकि एसएल वर्ल्ड तो अब परमानेंटली बंद हो गया है, बट जो लोग आए हैं वो जानते हैं। तो चलिए यहाँ बस की वेट कर रहे हैं। अब हम लोग बस में भी बैठ गए, बस आई बस में बैठ गए उसकी वीडियो ने। अब यहाँ बस से हम लोगों को टिकटॉक टो के पास उतरना है। ये बस वहीं जाके रोकेगी जहाँ टिकटॉक टो है, उसी के बगल में बर्ड पार्क भी है। दोनों से मतलब एक ही जगह पे है। अब यहाँ उतरे, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा कॉर्नर मिलेगा जहाँ बड़ा पाव, समोसा पाव ये सब है, प्लस चिप्स कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग का, ये टिकटॉक टो का एंट्री पॉइंट है। बस जो वो टिकट मिला था ना जहाँ समोसा पाव है, उसके थोड़े से आगे में एक कॉर्नर है, वहाँ पे आगे वो टिकट को एक्सचेंज करना, वो जो कार्ड टाइप मिला था उसको एक्सचेंज करना, वहाँ पे आपको एक छोटा सा टिकट देगा और वो टिकट को लेके फिर आप टिकटॉक टो के एंट्री में जाते हैं। ये मेरी बेटी ये लॉलीपॉप खा के उसको फेंक रही है, क्योंकि उसको आदत है कुछ भी चीज़ दो तो वो डस्टबिन में ही फेंकती है। अगर आपको उसको उस जगह पे डस्टबिन नहीं मिलती है, तो वो रैपर को अपने बैग में कैरी करेगी और घर पे आके घर के डस्टबिन में फेंकेगी। खैर ये तो आजकल सभी बच्चे करते हैं और करना भी चाहिए। हम लोग टिकटॉक तो एंट्री पॉइंट से, जो एंट्री पॉइंट दिखाया था वहाँ पे टिकट दिखा के अंदर आ गए। इसमें से हम लोगों को फूड का कूपन भी मिला है, 100 100 रुपीज़ ईच टिकट में, 100 रुपीज़ का फूड कूपन मिला है। अब चलिए अंदर देखते हैं कैसा है। ये अंदर गए, एक्चुअली थोड़ा चलना भी है आपको यहाँ पे, मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर तो आराम से चलना ही है। आप देख सकते हैं ये सब एरिया जो है ये एसएल वर्ल्ड की है। एसएल वर्ल्ड की एरिया है, यहाँ पे आपको हर जगह गार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वे टू टिकटॉक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी एक्चुअली नया नया खुला है तो उतना क्राउड भी नहीं है, उतना क्राउडेड नहीं है। दूसरी चीज है कि इतने दूर है कि लोग आने में थोड़ा एक्सप्लोर करने में सोचेंगे। ये टिकटॉक टो एंट्री पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, ये एसएल वर्ल्ड का राइड से एरिया है, जहाँ पहले एसएल वर्ल्ड के कार वाली राइडिंग होती थी वो वाली एरिया है। देख के बहुत खराब लगा, कोविड के कारण पूरा एसएल वर्ल्ड बंद हो गया,
मतलब कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे, कितना अच्छा एसल वर्ल्ड था, मतलब एशिया का लार्जेस्ट वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में माना जाता था, बट सब बंद हो गए। खैर उसी एरिया में ही टिकटॉक खुला है, चलिए एक्सप्लोर करते ये टिकटॉक तो है कैसा, क्योंकि मैं भी पहली ही बार जा रही हूँ। और मैं ये वीडियो इतना मतलब इतनी बड़ी वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली है क्या और वहाँ है क्या। आप अपने अकॉर्डिंग और अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि वहाँ जाने लायक है कि नहीं, और जाने और ले जाने में मतलब क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स लेके जाते हो ना, तो जहाँ टिक टैक टो पॉइंट का मैंने जहाँ एंट्री पॉइंट दिखाया था, जहाँ टिकट चेक करने की बात की थी, वहाँ पे वो लंच और ये सब लंच जमा कर लेते हैं, यानी फूड आइटम वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, फूड आइटम वहाँ से एंट्री नहीं रहती, वो आपके बैग चेक करेंगे। तो खैर हम लोगों ने तो कोई फूड आइटम लेके ही नहीं आया था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि फूड आइटम लेके आना चाहिए था। चलिए अंदर चलते हैं, ये टिक टक टो एंट्री पॉइंट आपको दिखेगा, ये बड़ा सा जहाँ एम्यूजमेंट पार्क पहले एसएल वर्ल्ड लिखा हो रहता था, वहीं पे एक टिक टक टो एंट्री पॉइंट लिखा हुआ है, आप जा सकते हैं अंदर। ये मेरी बेटी, मेरी डॉटर बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि उसकी समर वैकेशन में वो इस बार नानी के घर भी नहीं गई है, तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है, क्योंकि अकेले घर पे रह के एकदम बोर 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 बोर, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा ही हाई है, वो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए देखते हैं अंदर कैसा है। लुक दिस इज टिक टक टो, ये प्ले एरिया है। अच्छा ये एक्चुअली क्या है, ये प्ले एरिया ही है। यहाँ आपको कुछ कुछ रूल्स समझा देंगे कि शूज़ खोलना है, सॉक्स पहनना है, तो जो भी प्ले एरिया में जाते हैं या किड्स के प्ले एरिया में, उनको पता ही है कि सॉक्स कैरी ही करना है, तो अडल्ट को भी सॉक्स कैरी करना है अगर वो प्ले एरिया के साइड जाएंगे तो। मेरी डॉटर अपने बैग में अपना सॉक्स कैरी की हुई है, अभी वो सॉक्स ओपन करेगी अपना बैग और मुझे कॉल करेगी कि मुझे सॉक्स पहना दो। देखिए वो ओपन कर रही है। ओके मुझे नहीं पता ये लोग शूज कहाँ रखे थे, तो वो मुझे हेल्प कर रही है। देखिए ये मेरे हाथ पे कूपन है, हम लोगों को कूपन भी मिला है, आगे मैं बताऊंगी वीडियो पे, ऐसे 100 100 रुपीस की कूपन मिली है। कोई नहीं, अब देखते हैं आगे अंदर की फूड आइटम कैसी है। नाउ मैं अपनी डॉटर को अब मेरी डॉटर आ गई यहाँ, ये सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं, बहुत सारा मशरूम शंख ये सब था, पिक्चर बनाओ यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं, अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ देखो मैं भी आप लोगों को हाय बोल रही हूँ, आप लोग भी मेरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें कि मैं भी और नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ, और आपको भी उसके प्रोस और कॉन्स बताऊं कि जाने लायक है कि नहीं है, किस एज के बच्चे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली प्ले एरिया तो 7 8 ईयर्स के बच्चे तक ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि 7 8 ईयर्स से ज़्यादा के बच्चे को इन्जॉय कर पाएंगे। उतने इयर्स के अच्छे से जो है, इनफैक्ट इसमें क्या है कि कुछ कुछ प्ले एरिया से ज़्यादा गेम्स और एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल प्ले एरिया में इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है,
और इस प्ले एरिया में बहुत छोटा स्लाइड्स है, क्योंकि बाकी सब प्ले एरिया में बड़े वाले स्लाइड होते हैं और इस प्ले एरिया में बहुत ही छोटा स्लाइड्स था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्लाइड्स बड़ा रहता तो लोग ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हैं, इनफैक्ट बड़े भी इन्जॉय कर पाते हैं। क्योंकि जैसे किड्स के बर्थडे पार्टी में जाती हूँ तो उसमें क्या है कि बड़े लोग भी स्लाइड करते हैं और हम लोग भी अपनी बचपन जीते हैं, इन्जॉय करते हैं, बट इसके बहुत छोटा छोटा स्लाइड था। ये ऐसा किचन था, एक फायर स्टेशन था, एक हॉस्पिटल मतलब मेडिकल स्टेशन था, या मेडिकल हॉस्पिटल बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको चेकअप करने का। तो मेरी बेटी अभी किचन सेट में खेलने में बिजी है, वो किचन एरिया में आई हुई है, वो बाहर एक्सप्लोर करने गई है। ये प्ले एरिया है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और राइड्स छोटा मोटा बच्चों के लिए है, वो देख सकते हैं आप। एक ये है, धीरे धीरे चलिए एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है। हाँ, मुझे एक ये चीज़, ये हर प्ले एरिया में नहीं रहता एक्चुअली। अभी तक मैंने जितना प्ले एरिया विजिट किया है उसमें ये नहीं थी, देख सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेफ्स, हाउस, हॉल, सोफ़ा, ये सब बनाने के लिए है। उसके बाद ये गेम है, एक्चुअली 3-4 गेम्स भी है जो बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्विंग, राउंड 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 स्विंग टाइप के हैं, राइड्स हैं एक्चुअली। हाँ, यह ये चीज़ अच्छा है कि अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल के साथ आए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या है कि अगर आपको आपस में बात करनी है तो आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सकते हो, बच्चे भी एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। ये गेम्स है और इसमें ऐसा 1, 2, 3 हाँ 3 ऐसा गेम्स है, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। इसमें आपको डिफरेंस देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है दो पिक्चर्स में। तो ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, अच्छा है। देखिए और क्या क्या है, मुझे लगता है ओवरऑल बच्चे इंजॉय करेंगे। और साथ में इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है जो मुझे बाकी प्ले एरिया से लगा, एक तो बाकी सब प्ले एरिया बहुत छोटे रहता और ये छोटा रहता और ये प्ले एरिया बहुत बड़ा है। दूसरा कि इसका सरफेस जो है ये पूरा प्लास्टिक की है एक्चुअली, प्लास्टिक क्या बोलते हैं इसको, तो भी इसके सरफेस एक जगह भी बच्चे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, बहुत सेफ है। थर्ड चीज इसमें ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखेगा। अभी ज़ाइलोफोन भी बहुत तरीके से है, बहुत तरीके के शेप में ज़ाइलोफोन है। फिर ऐसा कलरिंग एक्टिविटीज़ है, बैठ के अगर बच्चे थक गए हैं तो बैठ के भी खेलने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आप देख सकते हैं ये कलरिंग एक्टिविटीज़ है, मेरी बेटी कर रही है डिफरेंट डिफरेंट। चलिए, मैं इसलिए पूरा वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को एकदम क्लियर कट नॉलेज हो जाए कि आपके बच्चे के अकॉर्डिंग है, आपके बच्चे जिस तरह से खेलना चाहते हैं वो ये प्लेस जाने लायक है कि नहीं है। हाँ, और बाकी सब प्ले एरिया में मुझे एक चीज़ यहाँ अच्छा, देखिए डिफरेंट डिफरेंट ज़ाइलोफोन है, ज़ाइलोफोन बहुत सारा था, 2-3 तो ज़ाइलोफोन है ही, और वो भी बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी। एक हाँ मैं ये बोल रही थी ना, यह एक चीज़ अच्छी है, अच्छे इस सेंस में आप बोल सकते हैं कि बाकी सब प्ले एरिया में टाइम लिमिटेड रहता है, 1.5 घंटा ही आपको 700, किसी में 650 अकॉर्डिंग टू, और किसी में 800 लेते हैं, संडे के दिन तो ज़्यादा ही लेते हैं क्योंकि वीकेंड रहता है। बट इसमें क्या है कि आप 700 रुपीज़ के जो टिकट लिए किड्स के, उसमें आपको अनलिमिटेड है, यानी आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो आप पे डिपेंड करता है, 6 बजे तक जितना हो सकता है आप उतने देर यहाँ रह सकते हैं। सो मैं बोलती हूँ जो बोरीवली के नज़दीक रहते हैं उनके लिए ये एरिया विजिट करना प्रॉफिटेबल है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका सुबह से शाम अगर आपको बच्चे के छोटे बच्चे हैं टाइम स्पेंड करना है तो आप स्पेंड कर सकते हैं। ये गेम है, अच्छा है, ओवरऑल ठीक है, बट मुझे एक स्लाइड्स अच्छी नहीं लगी क्योंकि स्लाइड्स बहुत छोटी थी, थोड़ी बड़ी रहती तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी में जाती हूँ तो सब फ्रेंड सर्कल मिलते हैं तो इंजॉय करते हैं,
बट यहाँ की स्लाइड अच्छी नहीं थी, मुझे बहुत छोटी लगी। वीडियो गेम है, दो वीडियो गेम्स थे, एक ये एक और है। बास्केटबॉल है, ये बास्केट में बॉल डालनी है, ये सब है। चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या बना सकते हैं आप। डिफरेंट, मेरी डॉटर अभी कुछ बॉक्स बना रही है, एक्चुअली वो कवर करना चाह रही है इस एरिया को पूरी तरीके से। यहाँ आप अपने बच्चे को अकेले भी छोड़ सकते हैं, बट मुझे नहीं आदत है, मैं मतलब मैं अपनी डॉटर को हमेशा उसके साथ ही रहती हूँ, वो कहीं भी रहे तो। देखो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप्स बनाएंगे अभी, ये स्टार्ट करके लेके आ रही है। ये बाकी सब प्ले एरिया में नहीं रहती है, अभी तक मैंने जितने भी प्ले एरिया विजिट किए उसमें ये सब नहीं है, तो ये एक डिफरेंट है। अब चलिए देखिए, यहाँ का जो कूपन मिला था उसमें मैंने पाव भाजी 150 रुपीज की है, तो 100 रुपीज की कूपन थी और 50 रुपीज मैंने कैश दिया 150। अब देखते हैं पाव भाजी का टेस्ट कैसा है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा, आप बताइए। चलिए खाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। हम लोगों ने 100 रुपीज़ की पाव भाजी, 190 की पिज्ज़ा थी, तो पिज़्ज़ा एक ली हूँ। और पिज़्ज़ा तो मैं खाई, सीरियसली पिज़्ज़ा बहुत ख़राब था, मुझे लगा कि वो लोग नमक डालना ही, सॉल्ट डालना ही भूल गए। मुझे पिज़्ज़ा नहीं अच्छी लगी, इनफैक्ट मुझे पाव भाजी भी उतनी टेस्टी नहीं लगी। मतलब मैं क्या बोलूँ, अंदर का फूड में मुझे एक सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही अच्छा लगा, बाकी कोई फूड मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आप आ रहे हो तो आप अपना घर से फूड लेके आओ, बाहर से खरीद के लेके आओ, और जहाँ फूड जहाँ टिक टैक टो पॉइंट के पास जहाँ सबमिट होता है वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे भी छोटा सा कॉर्नर टिप का स्पेस, वहाँ बैठ के आराम से अपने फूड कंप्लीट कर लो तब अंदर आओ। क्योंकि मुझे वैसा नहीं लगा कि यहाँ की फूड बहुत ऑसम है, खाना चाहिए। बोलेंगे मतलब क्या है कि बस मैं खा रही हूँ या मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ कि वो भूख उसे भूख ना लगे, नहीं तो मुझे वैसा कोई बहुत टेस्टी फूड नहीं लगी। ये सब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, तो अच्छा है, ये सब बच्चे का पॉइंट मतलब क्या बोले, नॉलेज के लिए भी अच्छा है। इससे अच्छा है कि बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का आइडिया होते जाता है कि कौन सा शेप है, और वो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बाद में। अभी तो लगता है कि बस खेल रहे, पर बाद में इसका आपको जब बच्चे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रॉफिट दिखता है, उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये सर्कल शेप है, ये सेमी सर्कल है। तो मेरी डॉटर चल रही है, आ रही है हमारे साथ खाना खाने या पानी पीने, देखते क्या करने आ रही है वो, अपने मम्मी पापा को खोजते खोजते आ रही है। और ये जो फूड कॉर्नर उसके बगल में ही वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत क्लीन था, अच्छा था वो। अच्छा, मैंने उसके लिए अभी फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था, मैं बताई ना आपको, पहले भी बताई ना कि फ्रेंच फ्राइज ही एक यहाँ की अच्छी थी, बाकी मुझे कोई भी फूड मुझे नहीं अच्छी लगी। बाकी कुछ भी हो, अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो इसको फ्रेंच फ्राइज और स्लाइस पीना था, तो फ्रेंच फ्राइज और स्लाइस पी के आ गई, अब राइट कर रही है।
ये रोप वाला है, रोप में ऊपर चढ़ने का प्रैक्टिस, ऊपर चढ़ना है। अब देखिए उसको, तो इसमें फिजिकल भी बहुत था ऐसा नहीं था, जो चाहे आगे डंबल वाला है कि आप हिट में, एक तरह से हो सकता है हैवी हिट में भी है आगे, इसमें ये ट्राई कर रही है ऊपर चढ़ने का। शी इज नॉट एबल टू डू इट, मैं भी नहीं सकती हूँ एक्चुअली, मेरी बॉडी वेट तो ज्यादा है तो मैं तो सकने वाली हूँ नहीं। अब उस पर देखती हूँ, एक्चुअली मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चढ़ूँ तो टूट ना जाए, क्योंकि किड्स के लिए है क्या है, इसलिए मैंने ज्यादा ट्राई भी नहीं किया। ये अब बनाना स्टार्ट किया है, अब ये बनाएगी इससे ना। ये एक गेम पहले मैंने कलर वाला दिखाया, एक डिफरेंशिएट वाला दिखाया, और ये एक फिश वाला, ये भी डिफरेंट डिफरेंट फिश को कैप्चर करें। ऐसा तीन बोर्ड है और ऐसा तीन स्क्रीन लगा हुआ है, और तीनों में गेम्स आते हैं, उनको जिसको जो खेलना है। एक दो दीदी हेल्पर दीदी घूमते रहती है जो बच्चे को देखती है। अगर आप बैठ के उधर आराम भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग तो अपने किटी पार्टी की तरह आए थे, तो बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में बैठे हुए थे, तो उनके पीछे बच्चे देख दे रही थी, वो लोग देखती है क्या करना है नहीं करना, वो लोग बताती है। लगता है इसको किसी चीज से चोट लग गई है, इसलिए अपने सिर को, अब ये स्विंग में जाके बैठेगी, ये राइट्स में जाके बैठेगी इस चेयर में। शी इज एंजॉयिंग अ लॉट। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारा मोटर स्किल्स वाले भी टॉयज है, कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिया हुआ है और आप उसको ऐड करके एरोप्लेन या डिफरेंट शेप्स, बहुत सारा शेप्स दिया हुआ है, वैसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा दौड़ने की मन नहीं करती है, तो उनके लिए भी बहुत सारे टॉयज यहाँ अवेलेबल है जो वो बैठ के आराम से खेल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी है, जहाँ एडिशन या किसी का ड्रेस कंप्लीट करना है, ये देखिए इस टाइप का भी 5-6 गेम्स है यहाँ पे, ये कर रही है। ये कुछ कुछ गेम्स है, आप देख सकते हैं मोटर स्किल्स का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ये बोर्ड पे ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको। अब इधर आइए, स्लाइड्स है और बॉल्स है, बॉल्स को हिट करने वाला गेम है, ये रूप के अंदर जाने वाला है। ये बच्चे का देखिए, इसमें क्या होता है ना कि बच्चे को पता रहता है कि हम गिरेंगे तो चोट नहीं लगेंगे, और उससे क्या होता है उनका डर हटता है। ये आपको इतने से इतने में जंप मारना है, आपको उसके जंप मारना है इस सेप से उस सेप पे,
तो ये मुझे अच्छा लगा। देखिए ये इधर से इधर जंप करने वाला गेम है, ये यहाँ से यहाँ। हाँ देखिए इसमें कैसे ट्राई कर रही है, उसको पता है कि नीचे नहीं जाना और पता है कि गिरूंगी भी तो डर मतलब चोट नहीं लगने वाला। यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाके ये सर्कल में
सर्कल सर्कल घूम रही है, फिर वहाँ वो एयर बलून टाइप में नीचे बॉल डालेंगे तो ऊपर से बॉल फ्लाई करेगा। यही था टिक टैक। तो अब बताना आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अब हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं। एक्चुअली हम लोग 4 बजे के अकॉर्डिंग टिक टैक तो छोड़ दिए थे, 1 बजे के अकॉर्डिंग एंट्री किए थे और 4 बजे निकल गए थे। मैं इतने लंबे, मुझे पता है थोड़ा वीडियो लंबा है, बट मैंने इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग जो भी जाना चाहते तो वो देख ले कि किस किस चीज की एक्टिविटीज है और क्या क्या गेम है। फिर उसी तरह आपको लौटना है जैसे आपका एंट्री था वहां, फिर टिक टैक टॉक पॉइंट के पास, टिक टैक टो पॉइंट के पास जाना है। वहां से आपको बस मिलेगी, फिर मिनी ट्रेन वाटर किंगडम के पास आपको मिनी ट्रेन मिलेगी, फिर फेरी जाएंगे, फेरी के पास फेरी मिनी ट्रेन से बाहर निकलिएगा, फिर आपको फेरी पॉइंट के पास जाना है, वहां से आपको फेरी मिलेगी और फिर फेरी से आप बोरीवली गोराई बीच फेरी पॉइंट 1 के पास, सॉरी फेरी पॉइंट 2 या गोराई बीच के पास उस साइड उतर जाइएगा। फिर वहां से आप लोग जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे अपने घर चले जा सकते हैं। सो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट लिखिएगा कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकूँ और कहाँ की वीडियो डालू नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू। Bye-bye.